पर इस तरीके से बयान देना कि मेरा राज्य जलेगा तो बाकी राज्य भी जलेंगे, बिहार भी जलेगा, देश भी जलेगा, ये कैसी सोच है? क्या एक मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति को शोभा देता है कि वो हमारे देश के जलने की सोच रखे? बल्कि मैं तो आग्रह करूंगा केंद्र सरकार से कि वहां की वास्तु स्थिति का संज्ञान लेते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन, बंगाल राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। संगठन की बैठक थी, हमारे सांसद जरूर है, जरूरत पड़ने पर उनकी भी बैठक हम करते हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा किए हैं, फिर आने वाले दो चार दिन में हम सांसदों के साथ बैठक करेंगे। सांसद संगठन के ही अंदर आता है। आपके तीन सांसद टूटने जा रहे हैं। अब इस बात का जवाब मैं देना उचित नहीं समझता हूँ, क्योंकि ये बेमतलब की बात है, बेमतलब की बात, एकदम बेमतलब की बात है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको बता दें कि आज 30 तारीख है और आज LJPR ने कोर कमेटी की बैठक भी बुलाई थी। बड़ी बात यह है कि कोर कमेटी की बैठक समाप्त हो चुकी है और बैठक खत्म करते ही चिराग पासवान पटना से दिल्ली के लिए रवाना भी हो गए हैं। देखिए, हमने भी चिराग पासवान से बातचीत की, कई सवालों के जवाब जानने की कोशिश की है। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान? बैठक खत्म होते ही सबसे पहले आप चिराग को सुनिए। इससे ज्यादा शर्मनाक बयान एक मुख्यमंत्री को और नहीं हो सकता। एक मुख्यमंत्री पीछे एक मुख्यमंत्री जो अपना राज्य नहीं संभाल पा रही है। और देखिए, मैं कोई दोषारोपण नहीं करना चाहता, ये घटना इस तरीके की महिलाओं के साथ अगर किसी भी राज्य में होती है तो वो उतनी ही शर्मनाक है, उतनी ही चिंताजनक है। पर ऐसे में एक महिला मुख्यमंत्री होने के बाद आपका राज्य आज जिस तरीके से डर दहशत के साए साए में है, वहां पर जिस तरीके से एक महिला के साथ जितना निंदनीय, उस घटना की जितनी निंदा की जाए उतना कम है, इस तरीके की घटना घटती है और आप क्या कर रही हैं बदले में? आप दोषारोपण कर रही हैं, आप दूसरे राज्यों में देख रही हैं, अपने राज्य को आप संभालिए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी, आपका राज्य अगर संभला रहेगा बाकी राज्य अपने अपने राज्यों को देखेंगे, पर इस तरीके से बयान देना कि मेरा राज्य जलेगा तो बाकी राज्य भी जलेंगे, बिहार भी जलेगा, देश भी जलेगा, ये कैसी सोच है? क्या एक मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति को शोभा देता है कि वो हमारे देश के जलने की सोच रखें, हमारे देश के प्रदेशों को जलाने की सोच रखें? आपकी जिम्मेदारी आपके राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित करने की है। आप अगर उसमें नाकामयाब रहती हैं, आपके राज्य में इतनी बड़ी घटना होती है, अगले दिन हुड़दंगे ही पहुंच जाते हैं और सारे एविडेंसेस को मिटा देते हैं। आपने अपने राज्य में एक ऐसी व्यवस्था आपने स्थापित की है जहां पे पॉलिटिकल कैडर को आप सरकारी व्यवस्था का हिस्सा बनाती हैं, और वो लोग जब उनमें कमी पाई जाती है, भाई कौन था ये व्यक्ति जिसने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया? कैसे उसको इतना एक्सेस मिला हुआ था, कैसे उसको इतनी छूट मिली हुई थी, जबकि उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस के इससे पहले इतने सारे चार्जेस थे? तो क्या ये आपके सरकार की, आपके सरकारी तंत्र की लापरवाही नहीं थी? और उसके बाद इस तरीके से दोषारोपण करना और दूसरे राज्यों को इस तरीके से धमकी देना, क्या ये एक राज्य के मुख्यमंत्री को शोभा देता है? ये इनकी कमजोरी को दिखाता है, इनकी विफलता को दिखाता है। बिल्कुल, बल्कि मैं तो आग्रह करूंगा केंद्र सरकार से कि वहां की वास्तु स्थिति का संज्ञान लेते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन, बंगाल राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। तो देखिए, इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए LJPR के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। राजू जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि अचानक से चिराग पासवान में कार्यक्रम था, आज भी पार्टी के बिहार के बहुत सारे जिलों से हमारे कार्यकर्ता आए थे, हमारे पदाधिकारी आए थे, सबसे उन्होंने बैठक की, सबसे बात की, कोर कमेटी की बैठक हुई, हमारे सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष थे उनके साथ बैठक हुई, हमारे सभी बड़े नेता, उपाध्यक्ष वगैरह सब लोग थे, हमारे राष्ट्रीय कुछ नेता इस प्रदेश के थे, सबके साथ बैठक हुई। और पार्टी दो दिवसीय दौरा था, एक ही दिन निकल गए दिल्ली।
कैसे एक दिन हो गया, कल आए हाजीपुर में कर कार्यक्रम किए, आप लोग कैसे जोड़ती हैं घंटा के हिसाब से जोड़ती? कल आए रात में, आज निकल गए दिल्ली, कल शाम को आए, यही प्रोग्राम पहले से निश्चित था। अच्छा, यानी कि दो दिवसीय दौरा नहीं था। अब इसको आप दो दिवसीय दौरा करिए, चाहे जो कहिए, ये आपका काम है कहना। मेरे नेता का पहले से जो भी कार्यक्रम था सब बाखूबी से हुआ है, और बहुत सारे हमारे नेता बिहार के थे, सबसे बृहद चर्चाएं हुई है। अच्छा, कोर कमेटी की बैठक भी हुई है, क्या कुछ फैसला लिया गया? देखिए, 28 नवंबर को जो स्थापना के दिवस के दिन हमारी जो बड़ी रैली हम लोग करने जा रहे हैं, उस रैली के मामले सभी पदाधिकारियों से विचार विमर्श हुआ, और कैसे बिहार में जो सारे हमारे चाहने वाले हमारे कार्यकर्ता लगभग 8,500 पंचायत से कैसे उस दिन सब लोग आवे, ये काम हम लोग जाए सारे कार्यकर्ता, हमारे सारे नेता जिला के अध्यक्ष से लेकर सब लोग जाएंगे और आमंत्रण देंगे, उनको आग्रह करेंगे कि 28 नवंबर को पार्टी की स्थापना के दिवस के दिन गांधी मैदान पहुंचे। लग रहा है कि गांधी मैदान भर पाएगा राजू जी? लग नहीं रहा, गांधी मैदान भरना आसान नहीं है। आसान नहीं है, देखिएगा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, आने दीजिए समय, देखिएगा। अच्छा, हमने ये देखा कि कोर कमेटी की बैठक तो हो गई, लेकिन आपके कोई सांसद नहीं पहुंचे? नहीं, देखिए, कोर कमेटी, चिराग पासवान अकेले थे। देखिए, संगठन में जी, संगठन की बैठक थी, हमारे सांसद जरूर हैं, जरूरत पड़ने पर उनकी भी बैठक हम करते हैं। हाँ। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा किए हैं, फिर आने वाले 2-4 दिन में हम सांसदों के साथ बैठक करेंगे। हाँ। सांसद संगठन के ही अंदर आता है और सांसदों के साथ हमारे बैठक निरंतरता में जारी रहती है, और सांसदों को जो जिम्मेदारी दी जाती है उसको बाखूबी वो निर्वहन। एक सीधा सवाल है, बिना इधर उधर किए हुए आपके 3 सांसद टूटने जा रहे हैं? अब इस बात का जवाब मैं देना उचित नहीं समझता हूँ, क्योंकि ये बेमतलब की बात है, बेमतलब की, एकदम बेमतलब की बात है, और इस पे जवाब देने का मतलब है कि बेकार में समय गंवाना। हनुमान अपने राम से नाराज है? सवाल ही नहीं उठता। देखिए, जब हम लोग गठबंधन में नहीं थे उस समय भी हमारे नेता प्रधानमंत्री की नीतियों का लगातार समर्थन करते रहते, अब तो हम उनके साथ, हमारे नेता उनके कैबिनेट में महत्वपूर्ण विभाग संभाल रहे हैं, तो ये सब देखिए विरोधियों के द्वारा अफवाह फैलाई जा रही है, और बिहार की जनता और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ता इस अफवाह के फेरा में नहीं पड़ते। अच्छा, आपको बता दें कि ताजा खबर आई है कि चिराग पासवान की लोकसभा सदस्यता को चुनौती दी गई, यानी कि उन पर जानकारी नहीं बताने और जानकारी छुपाने दोनों का आरोप है। तो जाए ना, जिसको जहाँ जाना है जाए, कौन रोकता है जी? जाए वो अपना काम। देखिए, ये अब ये लोकसभा सदस्यता पर खतरा तो नहीं आ जाएगा? अब आप लोग कहाँ कहाँ किसकी किसकी बात कहाँ जवाब चलते फिर, अरे बिना सिर पैर की बात करना कहीं से, आप जैसे प्रतिष्ठित लोगों के सामने बोलना उचित नहीं। तो सुना आपने कि क्या कुछ बता रहे हैं चिराग पासवान? देखिए, आपको बता दें कि चिराग पासवान 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आए थे, लेकिन अचानक से चिराग पासवान एक दिन के अंदर ही दिल्ली चले गए हैं। बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं, तो इसको लेकर हमने भी LJPR के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी से बातचीत की है, जानने की कोशिश की है कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि अचानक से एक दिन के अंदर ही चिराग पासवान दिल्ली लौट गए, क्या कुछ कहा है राजू तिवारी जी ने, वो भी आप सुनिए। तो सुना आपने कि क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, क्या कुछ बताया है राजू तिवारी जी ने? देखिए, हमने उनसे ये भी प्रश्न पूछा था कि चिराग पासवान की लोकसभा सदस्यता को चुनौती दी गई है, इस पर LJPR की राय क्या है, ये भी उन्होंने खुलकर बताया है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिए।